शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। मनपा आयुक्त की ओर से सभी दुकानों और कार्यालयों के लिए ट्रेड लाइसेंस की अनिवार्यता के आदेश दिए गए, जिस पर व्यापारियों का गुस्सा बढ़ रहा है। अधिकांश व्यापारी संगठनों ने एनवीसीसी के और एक दिवसीय बंद करने का निर्णय लिया है। सोमवार को कई व्यापारी संगठनों ने प्रतिनिधि पालक मंत्री नितिन राउत, महापौर संदीप जोशी से मुलाकात की और इसका पुरजोर विरोध किया। संगठनों का कहना है कि कोरोना के मुश्किल दौर में जब व्यापार जगत संकट का सामना कर रहा है, उस समय इस क्षेत्र को कुछ रियायतें दी जानी चाहिए कि नई नई बंदिशें थोपी जाए। नाग विदर्भ चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, नागपुर चेंबर्स ऑफ कॉमर्स कमेटी और विदर्भ टैक्स पेयर्स एसोसिएशन ने इस संबंध में पालक मंत्री नितिन राउत और महापौर संदीप जोशी से मुलाकात कर विरोध जताया। एनवीसीसी ने कहा कि राज्य सरकार को तुरंत इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। चेंबर के अध्यक्ष अश्विन मेहाड़िया ने कहा कि मनपा आयुक्त ने इस आदेश के जरिए संविधान में दिए मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन किया। दोस्तों नमस्कार, मैं अश्विन प्रकाश मेहाड़िया, प्रेसिडेंट नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स नागपुर। दोस्तों आज 17 अगस्त को ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसमें मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। दोस्तों 27 जुलाई को नागपुर कॉरपोरेशन से एक ऑर्डर पारित हुआ है, जिसमें ये कहा गया है कि नागपुर शहर के हर दुकानदार को कॉरपोरेशन का एक लाइसेंस लेना अनिवार्य है, जो कि गैर कानूनी तरीके से हम पे लादा जा रहा है। एक्ट में 376 के एक्ट में ये प्रोविजन ही नहीं है कि सब व्यापारी ले इसको। साथ ही साथ इस में कुछ फॉर्म जो में कुछ एनओसीज का जिक्र किया गया है, जिसमें से हमें फायर डिपार्टमेंट में जाके एनओसी लेना पड़ेगा, हमें टाउन प्लानिंग में जाके एनओसी लेना पड़ेगा, जोनिंग में लेना पड़ेगा, टैक्स डिपार्टमेंट में जो कॉरपोरेशन के टैक्स डिपार्टमेंट है उसमें जाके एनओसी लेना पड़ेगा। कई प्रकार के हमको एनओसीज और कई प्रकार के कंप्लायंसेस करने हैं, तब ये लाइसेंस हमको जाके मिलेगा। दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री, अभी हमने देखे 3 दिन पहले उनने एक अनाउंसमेंट करा इनकम टैक्स के बारे में, और उनका कहना है कि फेसलेस और फियरलेस होना चाहिए व्यापारी, तब वो व्यापार अपना अच्छे से कर सकता है। लेकिन दोस्तों मैं क्या, ये एक आप भी समझ सकते हैं, ये जो कानून आएगा इसमें हमें इंस्पेक्टर का फेस भी देखना पड़ेगा और इतना कागज जमा करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फियर है। तो ये ना फेसलेस है ना ये फियरलेस है, ये ऐसा चल के इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा देगा। इसके अंतर्गत आने वाले 19 अगस्त को नागपुर में हमने एक दिवसीय नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स ने आज सभी ट्रेड एसोसिएशन की एक जूम मीटिंग ली, जिसमें सबने सर्वसम्मति से 19 अगस्त को एक दिन का सांकेतिक बंद रखा है। इसमें आप सब सहयोग करें, क्योंकि 20 अगस्त को कॉरपोरेशन के हाउस में ये कानून पारित होने वाला है, इसे हमें रोकना है। अन्यथा ये कानून पारित हो गया तो ये हमारी पीढ़ियों तक चलेगा। दोस्तों ये इसे आप इतने हल्के में मत लीजिए, ये बहुत भारी कानून है। इसमें फीस के अलावा हमें समय समय पे कंप्लायंसेस रहेंगे सब, इसमें हमको भरपूर कंप्लायंस और इसमें बहुत कठिनाइयां हैं हमको। तो दोस्तों क्योंकि पॉलिटिशियन रहता है, वो हमारे जनप्रतिनिधि है, हमने इस शहर के हर नागरिक जिसमें एक व्यापारी भी है उनने उनको चुन के दिया है। अगर ये सदन में पास हो गया तो नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स उनका घेराव करेगा, उनसे वापस से इस्तीफा मांगेगा। वो किसी भी हद तक ये नहीं बोल सकते कि हमारी चल नहीं रही है, हमारी कोई सुन नहीं रहा है। मैं उन सबको बताना चाहता हूँ कि हमने आपको चुन के दिया है और हमारी बात आपको सदन में रखना है, और ये आने वाले इस काले कानून को, इस जो लाइसेंस राज को, इस इंस्पेक्टर राज को अगर आप खत्म नहीं करेंगे तो देश का शहर का सारा व्यापारी रोड पे आ जाएगा। कृपा करके इस महामारी के दौर में ये बुरे से बुरे और कानून आप हम पे ना ला दे। कई बार आप कहते हैं कि सबको टेस्टिंग कराना है, अरे हमको नहीं कराना है, जब होगा तब कर लेंगे, लेकिन आप कृपा करके ये कानून मत ला दिए। मैं सभी शहर के जनप्रतिनिधियों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि बहुत व्यापार तकलीफ में है, व्यापारी तकलीफ में है, आप समझिए। आप व्यापारियों को सोने की खान मत समझिए, व्यापारी कर्जे में डूबा हुआ है, आप उनपे दया खाइए, आप उनका मदद करिए।
धन्यवाद। आयुक्त शहर में सभी कारोबारी गतिविधियों पर अपना नियंत्रण रखना चाहते हैं। मनपा अधिनियम के केवल उन्हीं वस्तुओं को कारोबार को नियंत्रित करने का अधिकार दिया गया है जो जनता या संपत्ति की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट, इनबीसीएन न्यूज नागपुर।